Krieg. Olaf. Krieg. Olaf. Tum fikr na karo, main unse badla lunga. Frodi. 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 कैसे बचकर निकली तुम? चलो रास्ते में बात करते हैं। सोना उस्मान के लिए उसका सोना बहुत अहम है, ऐसा मैंने सुना। क्यों? सोना इतना अहम क्यों है उसके लिए? मालूम नहीं, वो सब बहुत घबराए हुए थे। वो सोना हमें उनके हाथों से लेने की जरूरत है ओलाफ। उसे ले गए, तुर्गुत उसे ले गया क्योंकि उस्मान के लिए सोना अहम है, इसलिए वो हमसे मुआहदा करेगा। मैं जानती हूँ सोना कहाँ है। चार पनार सराय में छुपाया गया है। जल्दी करते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं। चलते हैं। उस्मान को वहीं मारेंगे जहां उसे कम तवक्को हो। चलो हम जा रहे हैं। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं जरूर जाऊंगा। मैं जाऊंगा, लेकिन मैं कहां जाऊंगा? अलकन खातून, मुझे जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था। ये अल्लाह सानी करते, वो अभी तक वापस नहीं आई। जरा इसे तो देखो, अब मजा आएगा। चेरकुताय, चेरकुताय, मैं मर रही हूँ चेरकुताय। अलगर खातून, मर रही हूँ मैं मर रही हूँ चेरकुताय। तुम्हारे साथ ये किसने किया? अल्लाह की बारगाह में जाने से पहले एक बार मैं सुनना चाहती हूँ। तुम ठीक हो जाओगी। क्या हो आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? मुझे बताएं। चेरकुताय, मैं मर रही हूँ, मर रही हूँ। मुझे बताएं, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? अलगन खातून, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपसे क्या? इसे मत खींचे, मत खींचे इसे। चेरकुताय, इसे मत खींचेगा वरना मैं मर जाऊंगी फौरन। मत खींचे इसे, मत खींचे वरना मर जाऊंगी मैं। मत खींचे, मैंने कहा ना। ये क्या है? ये सिर्फ मजाक था। ठीक है, ठीक है, मेरी बात सुने। तुर्गुत साहब ने ओलुफ पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया। इंशाल्लाह हम जल्द इन पर गालिब आ जाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ एक मजाक था। क्या आप खफा हैं? तुमने क्या किया आल चेचक? हाँ,
क्या किया तुमने? मैंने ये आपके लिए किया। तुमने हमें बर्बाद कर दिया अल्टेक, तुमने हमें आग में धकेल दिया और अब इस मिहान हमें नहीं छोड़ेगी। आप लोग दरमियान में फंस गए थे, मैंने आपको दिखाया था कि आपको किसकी तरफ खड़े होने की जरूरत है। बेटी, वालिदा सुल्तान हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। हाँ, क्या तुम नहीं जानती? अब से आप लोग वालिदा सुल्तान की बात नहीं मानेंगे, आप उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये सब कुछ कैसे होगा? हाँ, तुम बहादुर हो अल्टेक, लेकिन तुम जाहिल हो। हाँ, जाहिल हूं, जाहिल हूं, मगर जानती हूं कि कौन अपने खानदान के बारे में सोचता है और कौन नहीं। क्या आप नहीं देखते हैं वालिदा सुल्तान की खुदगर्जी? वो सिर्फ अपना सोचती हैं, मगर उस्मान साहब अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। अब से आप दोनों को उस्मान साहब का साथ देना होगा या फिर आपका मेरा रिश्ता खत्म। तुमसे कह रही है, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इस यनी शहर की एक एक इमारत को आग लगा दूंगा। अच्छी बातें करे याकूब साहब, जबान को काबू में रखे, आप न जाने कैसी बातें करते हैं। वाकई? तो बताओ सोना कहां से आएगा? सारे सिपाही उसकी हिफाजत के लिए लगाए, लेकिन फिर भी लगता है उस्मान का काम है। मैं किसी हाल में भी सोना देना नहीं चाहता था। हम या तो भूखे मरते हैं या लड़ते हुए मर जाते हैं, सोना देना जुर्रत का काम नहीं। लेकिन मेरा बेटा, अल्लाह ना करे उसको कुछ हो जाए। होशियार, सरदार उस्मान आ रहे हैं। सरदार, आपको इंतजार करवाने पर आपसे माजरत चाहता हूं। कहां पर है मेरा बेटा? आपके बेटे सही सलामत है। बोरा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे, मेरा प्यारा बेटा। जीते रहे उस्मान साहब, जीते रहे। आपने जो कुछ किया मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं उस्मान साहब। मैं जानता था कि आपने ही हमारे बच्चों को खतरे में डाला। कहां है हमारा सोना? सोना उलूफ के पास है और नायवान उससे इसका हिसाब जरूर लेगा। मैं आपके बच्चों को बाहिफाजत यहां पर ले आया हूं, अब सौदा हो गया हमारा। अब आप क्या करेंगे उस्मान साहब? वो करने जा रहा हूं जो आप नहीं कर सके। मैं जंग करूंगा। ऐसा ना करें उस्मान साहब। जानते हैं कि मैं वो हूं जिसके पास बड़ा लश्कर तो नहीं है, मगर दिल बहुत बड़ा है। लेकिन आप सरदाराम, जिनके पास लश्कर तो बहुत बड़ा है लेकिन दिल छोटे हैं आप लोगों के। उस्मान साहब, मैं अगर तो इसमें एक भी बात गलत नहीं है तो अच्छा रहेगा कि आप खामोश रहें याकूब साहब। जंग दोनों की होगी मगर फतह सिर्फ मेरी है। आप जा सकते हैं।
आप जा सकते हैं। उस्मान साहब, अल्लाह आपकी मदद करे। जीते रहिए। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। ए, शुक्रिया। उस्मान के लिए उसका सोना बहुत अहम है। विरोधी हर दरवाजे पर पहरा दो। मोहताद रहना। कहीं जरा सी भी हरकत महसूस करो तो उनकी जान ले लो, इंसान हो या हैवान। अंदर आ सकते हैं? आ जाओ बेटा। चलो मेरे बेटे, मैं खुद चलूंगा। छोड़ दो इसे, आने दो खुद ही। आ जाओ, आने दो इसे, आने दो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। माशाल्लाह। मैं चल सकता हूँ बाबा, हमारे दुश्मन कामयाब नहीं हो सके। तुम चल सकते हो। हाँ, चल सकते हो बेटा। जानते हो, ऐसे ही महसूस हुआ था जब तुम पहली दफा चले थे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा बाजू, ये अभी तक हरकत नहीं कर रहा बाबा। ये भी ठीक हो जाएगा बेटा, तुम पहले जैसे हो जाओगे इंशाल्लाह। उरहान, थोड़ा सब्र कर, सब्र का जरूर फल मिलेगा। बेटा, मैंने तुमसे क्या कहा था, उठना होगा ताकि ये कौम उठ सके। ओ मेरा बेटा, चलो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इधर मुड़ो, आहिस्ता आहिस्ता, आ जाओ ख्याल से बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऐसे। ओ बेटा, बुरान जी हुजूर, नक्शा और सामान लेकर आओ जितनी जल्दी हो सके। जो आपका हुक्म। जल्दी। ओ मेरा बेटा, माशाल्लाह। मैंने तुम्हें जिंदा रहने का मौका दिया, लेकिन तुम्हारी नजर मेरे सोने पर है।
मैंने सोचा कि हम एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन तुम तो अकल से पैदल निकले। मैंने सोचा कि ये सारा सोना उस्मान का है, कमांडर। इन जमीनों पर सब कुछ मेरा है, समझे? सोना और तुम्हारा सर मेरे निशाने पर है। चुराना तुम्हारी मौत का सबब बनेगा। सोना चुराने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, असल में तुम अपने समंदर की तह में गर्क हो जाओगे। मैंने कुछ बुरा नहीं किया कमांडर।